खबर है, ट्रेन से कटकर चार रेल कर्मियों की मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे ये रेलकर्मी, चार रेलकर्मियों की कटकर मौत हुई है। एक लापता है, संडीला उमरताली लाइन पर काम चल रहा था, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी भारत समाचार के जरिए देख रहे हैं। काम के बीच में ये ट्रेन आ गई, और ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि जब वहां पर काम हो रहा था तो ट्रेन कैसे आ गई, और ये लापरवाही रेलवे अधिकारियों की है। चार रेल कर्मियों की कटकर मौत हुई है और एक के बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। जब उस ट्रैक पर काम चल रहा था तो सवाल ये उठ रहा है कि उसी ट्रैक पर ट्रेन को आने की परमिशन कैसे मिल गई। मनोज तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, उसी ट्रैक पर काम चल रहा था और उसी ट्रैक से ट्रेन गुजर गई, बड़ी लापरवाही है रेलवे अधिकारियों का, क्या कुछ कहना है रेलवे अधिकारियों का इस बारे में? जी हाँ बिल्कुल, ये रेलवे प्रशासन की पूरी जबरदस्त लापरवाही है। जिस रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था उसी रेलवे ट्रैक पर लाइन पर पटरी दौड़ ट्रेन दौड़ रही थी, जिसके चलते ये एक बड़ा हादसा हो गया है। चार लोगों की मौत हो गई है जो कर्मचारी थे, एक लापता है अभी भी। हालांकि रेलवे के अधिकारी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है कि प्रथम दृष्टया जो सिग्नलमैन है उसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अगर वहां काम चल रहा था तो सिग्नलमैन को सिग्नल नहीं देना था। तो फिलहाल अधिकारी अभी बचाव के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन गंभीर वारदात है जो प्रशासन, रेलवे प्रशासन की लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। गंभीर लापरवाही है निश्चित तौर पर, मनोज तिवारी ये कह रहे हैं, और ये लापरवाही है भी। मनोज, ये कहां हादसा हुआ और ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ जानकारी मिली है आपको? ये संडीला और उमरताली के बीच की वारदात है। यहाँ पर अपलाइन की जो रेलवे पटरी थी उसमें कुछ खराबी आ गई थी, उसको दुरुस्त किया जा रहा था, तो वहीं पे काम चल रहा था और इसी अपलाइन पर ही ये ट्रेन आ गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई है और एक कर्मचारी अभी भी लापता बताया जा रहा है। उसके बारे में फिलहाल पुलिस और रेलवे के कर्मचारी तलाश कर रहे हैं। यहाँ का पास का रेलवे स्टेशन कौन है जहाँ पर? संडीला रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत नजदीकी रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, जहाँ पे ये घटना हुई है। और संडीला से कितनी दूर पर यह हादसा हुआ है? तकरीबन संडीला से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो बड़ी वारदात हुई है। 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक खराब था, जैसा कि हमारे संवाददाता मनोज बता रहे थे। उसी की मरम्मत के लिए कुल 5 रेलवे के कर्मचारी यहां पर इकट्ठा हुए थे और रेलवे ट्रैक को सही कर रहे थे, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर रेलवे अधिकारियों की है, जिसकी वजह से चार लोगों की मौत हुई है और एक के बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। मनोज, ये सभी संडीला रेलवे स्टेशन से ही काम करने के लिए आए थे या दूसरे स्टेशन से आए थे? जी हाँ बिल्कुल, ये रेलवे की गैंग नंबर 6 थी जो ये पटरी दुरुस्त करने का काम कर रही थी। ये सुबह से ही वहां भेजी गई थी और रेल पटरी दुरुस्त करने का काम कर रही थी। ये बताया जा रहा है कि जो रेलवे पटरी को दुरुस्त करने के लिए मशीन चलाई जा रही थी, उस मशीन की आवाज की वजह से वो लोग जो रेल कर्मचारी काम कर रहे थे वो आवाज ट्रेन की नहीं सुन पाए, जिसके चलते ये भीषण हादसा हो गया। लेकिन पूर्णतया लापरवाही रेलवे अधिकारियों की है कि जिस पटरी पर काम चल रहा है उसी पटरी पर रेल दौड़ा दी जा रही है, तो पूरी तरीके। अच्छा मनोज, जो मैंने देखा है जब भी इस तरह का कोई काम होता है तो आमतौर पर यही रेलवे कर्मचारी लाल कपड़ा भी वहां पर लगा देते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं, तो क्या इस तरह की चीजें की गई थी या इसे भी अनदेखा कर दिया ड्राइवर ने? जी हाँ बिल्कुल, जो काम वहां पर चल रहा है सब प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, वहां जो एक दो कर्मचारी मौजूद हैं उन लोगों का कहना है कि दोनों तरफ लाल कपड़ा लगाया गया था, लेकिन लाल कपड़ा भी नहीं देखा गया और ट्रेन जो है मौत बनकर दौड़ पड़ी। कौन सी ट्रेन थी, कोई जानकारी किया जा रहा है? अभी अभी ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं पता चल पाई है, रेलवे अधिकारी अभी पूरे मामले की छानबीन की बात ही सिर्फ करते नजर आ रहे हैं। कितने बजे का मामला है तकरीबन जो आपको पता चला हो? ये करीब 12:30 बजे की घटना है, जो ये हादसा हुआ है करीब 12:30 बजे के आसपास ही ये घटना हुई है। उस समय रेलवे कर्मचारी जो है वो रेलवे लाइन पर काम कर रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे संवाददाता मनोज तिवारी ने पूरी जानकारी दी है। सुल्तानपुर